द्वारा हो रहा है। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा से भागती हुई ये सरकार, आज भी मुझे दुख है इस बात का कि ये सदस्य जरूर अरविंद जी के नाम की माला जपकर उन्हें खुश करना चाहते होंगे, लेकिन सीबीआई और जिस ईडी की वो बात कर रहे हैं, तो सीबीआई ने, इन्हें पता होना चाहिए, देश को पता है कि इसका सामना आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका सामना किया, उससे भागे नहीं, उसको इवेंट नहीं बनाया, चुपचाप पेश होते थे और अपनी बात करके आज 5-7 कोर्ट से उजली की उजली चादर वो देश के सामने आज बैठे हैं। अभी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए, आम आदमी पार्टी भी उसमें थी, सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग, ये कहने के लिए, गुहार लगाने के लिए, देखो जी ये ईडी और सीबीआई से हमको मुक्ति दिलाओ, हम नेता हैं, भ्रष्टाचारी हुए तो क्या हुआ, हम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करी और ये विपक्ष के काल पर एक तमाचा था जिसमें ये कहा गया कि आप भी उतने ही, जैसे आम आदमी के लिए जांच हो सकती है, वैसे आप भी कोई विशेष नहीं है, आपके लिए भी जांच होगी। आप बार बार कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, अगर लगभग 10-11 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, हालांकि जेल में होने के बावजूद, हवाला कांड में बंद होने के बावजूद, इस सरकार ने अनैतिक रूप से उन्हें मंत्री बनाकर रखा और वेतन भत्ते का सबका उनको सलामत देते रहे, लेकिन बार बार कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर रही है। एविडेंस के आधार के बिना कर रही है क्या? क्या आप कोर्ट को थ्रेट करना चाहते हैं? क्या आप कोर्ट की अवमानना करना चाहते हैं, जो बार बार आप ये कह रहे हैं कि उन्हें गलत ढंग से बंद किया गया है? अभी संजीव झा जी कह रहे थे, अभी है नहीं यहां, कि जी हम भ्रष्टाचार से समझौता करने वाला तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं इस सदन को कि 360 पेज की वो कागज के ढेर कहां है जब शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने उपयोग में किए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था एफआईआर दर्ज करके उस पर जांच कराऊंगा, आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई, भ्रष्टाचार से समझौता से उसी दिन प्रारंभ हो गया था। आपने अभी फिर याद दिलाया कि एक पूर्व एलजी का नाम लेकर के, लेकिन उस एलजी ने, जो पूर्व एलजी है, पिछला जब बयान दिया था, आधिकारिक रूप से अभी कहा कि हां मैंने भी जो पिछली बातें कही थी वह झूठ है, तो ऐसे झूठे व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करना चाहते हो? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बताएंगे कि शरद पवार ने, जो इस देश के विपक्ष के माननीय नेता हैं, उन्होंने भी तो कुछ कहा, उस पर भी बताइए आपके क्या विचार हैं, जो उन्होंने आपके बयानों पर भी, और जो आप बार बार अडानी की बात करते हैं उसके बयान पर भी उन्होंने अपनी बात स्पष्टता से रखी, तो क्या आप बताएंगे कि आप शरद पवार के साथ सहमत हैं या नहीं है? बार बार आप बात करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहते सुना है मैंने कल भी, कि देश को नंबर एक बनने से कोई नहीं रोक सकता, मोदी जी रोक नहीं पाएंगे। अरे भाई, देश को नंबर एक बनाने में अगर किसी नेता का सबसे बड़ा रोल है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। पूरी दुनिया आज उनको ग्लोबल लीडर मानती है, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत की साख को ऊपर किया है, और आज चाइना को तो धक्के मारकर बाहर निकाला है, ये हम समझौता नहीं करते। पूरे देश को भरोसा है, तुम्हें भरोसा हो या ना हो, तुम्हें तो कभी होगा नहीं, लेकिन पूरे देश को मेरे प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जिन्होंने धारा 370 हो या 35A हो, इसके माध्यम से भी इस देश को एक करने का काम किया है। भैया, आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। एक एमपी, एक सांसद आपका लोकसभा में नहीं है, और आप कहते हो कि वो डर गए, ये डर गए,
अरे भैया अभी आप 2029 से 24 पे आ रहे हो, 2050 तक भी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस देश में समाज का भला, गरीब का कल्याण और देश का विकास, सबका साथ सबका विकास करते हुए इस देश को चलाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद अजय जी, बहुत दो एक मिनट पर, ज्यादा नहीं समय लूंगा। आप ध्यान हटाना चाहते हो शराब घोटाला से, आप ध्यान हटाना चाहते हो क्लासरूम घोटाला से, आप डीटीसी से ध्यान हटाना चाहते हो घोटाले से, आप दिल्ली जल बोर्ड पर बोल नहीं रहे 71,000 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटी हो गई है, और अभी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल रुकेगा नहीं, हमारे पंडित जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी वो रुकेगा नहीं, जेल जाएगा। तब कहते थे आपने गिरफ्तार नहीं किया जी, मनीष सिसोदिया का कुछ निकला नहीं जी, सत्येंद्र जैन को अंदर क्यों नहीं किया जी, अरे जब कर दिया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है जबकि कानून अपना काम कर रहा है। और अहंकार की, आप किस अहंकार की बात कर रहे थे, एक वो व्यक्ति यहां दिल्ली के इस विधानसभा में खड़ा होकर कह रहा था मैं हूं दिल्ली का मालिक, वो अहंकार है या मेरा प्रधानमंत्री कह रहा था मैं हूं देश का प्रधान सेवक, मैं हूं देश का चौकीदार, वो अहंकार के शब्द नहीं था, ये दिल्ली के मालिक का शब्द अहंकार का शब्द था, मैं उसकी निंदा करता हूं। एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज दिल्लीवासी जब एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, जब दिल्लीवासी के बुजुर्ग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, तब उसके लिए यह विशेष सत्र बुलाते तो आज मुझे भी खुशी होती, लेकिन आपने राजनीतिक उपयोग के लिए इस सदन का दुरुपयोग किया है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना गौर जी।